देश में कोरोना वायरस के केस फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा नए केस आए हैं और 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सक्रिय मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए मरीजों से कम हो गई है। अगर सोमवार को छोड़ दिया जाए तो बीते 8 में से 7 दिनों में देश में कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। एक्टिव मामलों की संख्या भी बढ़कर 3,89,583 पर पहुंच गई है। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट में सितंबर महीने में कोरोना महामारी की तीसरी लहर के आने की आशंका जाहिर की गई थी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि सितंबर और अक्टूबर के 2 महीने परेशानी का सबब बन सकते हैं और अक्टूबर में संक्रमण चरम पर रह सकता है। अब भी स्वास्थ्य संरचना में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्स, एम्बुलेंस और ऑक्सीजन के साथ ही दवाओं और मेडिकल उपकरणों का इंतजाम करने की जगह सरकार निश्चिंत होकर बैठी हुई है। तीसरी लहर के खतरे से बचने के लिए बड़े स्तर पर टीकाकरण किया जाना जरूरी है, लेकिन भारत में टीकाकरण कछुए की रफ्तार से ही चल रहा है। सरकार पुरानी गलतियों से सीखने की जगह उन्हें दोहरा रही है। देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार ना तो देश में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ा रही है और ना ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार ही कर रही है।